हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शन बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम के जीएस पेपर में आ चुके हैं। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें, थैंक यू। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज के सीलिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ होस्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन हेड्स वॉज लोअर्ड इन द ईयर 2000। ठीक है, ये असर्शन रीजन टाइप की, ये मैंने असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ी, तो इसका रीजन क्या है? रीजन है देर वॉज अ फॉल इन फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑल्सो। यस, ठीक है, हाँ ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ ये दोनों असर्शन रीजन करेक्ट थे, रीजन वॉज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइसिस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस फॉर गेंस फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक इज नोन एज। आंसर है कि इट इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ठीक है, हाँ डिटेल में देखते हैं कि एट प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स फॉर मेंटेनिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फॉर बिल्डिंग अप बफर स्टॉक। मिनिमम स्पॉट प्राइसेस एमएसपी आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन फॉर सर्टन क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, नॉर्मली द MSP मीन्स मिनिमम स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। हाँ, सेंट्रल इशू प्राइसेस आर द प्राइसेस एट विच फूड ग्रेन्स आर इशूड बाई FCI टू द वेरियस स्टेट्स फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर विच ईयर। आंसर है कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999। ठीक है, कि ऑन अक्टूबर 1999 नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS रिप्लेस्ड कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। द स्कीम एम्ड एट टैकलिंग द इशू ऑफ प्रोडक्शन रिस्क फेस्ड बाई एग्रीकल्चरल सेक्टर। इट एनविसेज कवरेज ऑफ ऑल फूड क्रॉप्स दैट इज सीरियल क्रॉप सीरियल पल्सिस देन ऑल सीड्स हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल एंड कमर्शियल क्रॉप्स। हावर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च इन 2016 हैज़ नाउ रिप्लेस्ड नाइस NAIS नाइस एंड मॉडिफाइड नाइस। नाइस इज वट? नाइस इज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु एंड टेल द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज स्टेट्स विद रेफरेंस टू देयर लेवल ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो वो सीक्वेंस ये है, पहले नंबर पे गुजरात, फिर दूसरे पे सॉरी पहले पे महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन कर्नाटक एंड देन तमिलनाडु। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास मार्केट बोरोइंग ट्रेजरी बिल्स स्पेशल सिक्योरिटीज इशू टू RBI। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट। ठीक है, मार्केट बोरोइंग ट्रेजरी बिल्स एंड स्पेशल सिक्योरिटीज इशू टू RBI दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनल डेट। ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं कि ऑल द अबव गिवन कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इंटरनल डेट। ठीक है, इंटरनल डेट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल गवर्नमेंट डेट दैट इज ओड टू लेंडर्स विद इन द कंट्री। ठीक है, दैट इज इंटरनल डेट। द गवर्नमेंट बारोज बाई इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल एटसेट्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मार्केट बारोइंग बाई द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड टेल विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, फोर स्टेटमेंट हैं जिनमें से सिर्फ दो ही करेक्ट हैं। ठीक है, और वो हैं कि RBI नंबर वन RBI इज अ बैंकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस। सेकंड के RBI फॉर्मुलेट्स एंड एडमिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी। यस, दीज टू स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, फिर आगे दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, उसमें एक लिखा है कि इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। देन ये लिखा है कि इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है ना, अब डिटेल में आंसर देखते हैं कि ऑल द अबव। अब डिटेल में देखते हैं आंसर इसका, जो मतलब कि जो सेंट्रल बैंक्स के फंक्शन क्या होते हैं। द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर नंबर वन करेंसी इशू करता है। उसके बाद है कि बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द स्टेट। यस, ठीक है,
कि स्टेट मतलब कि इंडिया जो है उसका बैंकर भी है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है कि बैंकर्स टू दी बैंक, यस ये भी सही है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी इसका काम है सेंट्रल बैंक का। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यस ये भी जो है सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। देन मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ये भी जो है करेक्ट है। देन रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो ऊपर जो मैंने एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट पढ़ी कि इट एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, ठीक है ना। इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द न्यू सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI रिप्लेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विद रेफरेंस टू द बेस प्राइसेस ऑफ, आंसर है कि इट इज टू द बेस प्राइसेस ऑफ 1993 टू 1994, ठीक है ना। हाँ, तो डिटेल में देखते हैं कि द लास्ट सीरीज ऑफ होल प्राइस इंडेक्स WPI रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज 1993 टू 1994, ठीक है ना। बट द बेस प्राइस फ्राम 1993 टू 1994 वॉज चेंज टू 2004-05, ठीक है ना। द बेस ईयर फॉर द न्यू WPI इज़ नाउ चेंज टू 2011-12 फ्राम 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2002 में आया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हाँ अबाउट अ क्वेश्चन एंड देन टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल रिन्यूएबल फंड सेटअप इन फेब 1992 वर, आंसर है कि हाँ इट का ऑब्जेक्टिव था कि टू गिव ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग फॉर वर्कर्स अफेक्टेड बाय रिट्रेंचमेंट आर VRS, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं आंसर कि टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स हु मे बी अफेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रीज आर क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NRF इन फेब 1992, ठीक है ना। इट वॉज टू प्रोवाइड अ सोशल सेफ्टी नेट टू दी सोशल सेफ्टी नेट टू दी वर्कर्स हु आर लाइकली टू बी इफेक्टेड बाई द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन द इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। द ऑब्जेक्टिवस वर टू बी अचीव्ड एज फॉलोज, नंबर वन बाई प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू फर्म्स टू कवर द कास्ट ऑफ रिट्रेनिंग एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लाइज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज एंड फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। नंबर सेकेंड बाई प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर कंपनसेशन टू एम्प्लाइज अफेक्टेड बाई रिस्ट्रक्चरिंग और क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। देन बाई प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इन द इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ सोशल सेफ्टी नेट फॉर लेबर, ठीक है। हाँ, देन द गवर्नमेंट इंक्लूडेड टू स्कीम्स अंडर दिस फंड विज द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रीट्रेनिंग स्कीम फॉर रेशनलाइज्ड वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। द नेशनल रिन्यूएबल फंड वॉज अबॉलिश्ड बाई द गवर्नमेंट इन 2000 एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द VRS स्कीम वॉज शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज DPE इंस्टेड ऑफ DIPP, ठीक है ना, फ्रॉम फिस्कल ईयर 2001-02, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो तीन स्टेटमेंट हैं जिनमें से करेक्ट सिर्फ दो हैं, और वो हैं कि नंबर वन कि इन द न्यू WPI सीरीज, ठीक है, द वेट फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स हैज गन डाउन बाय 10 percentage points, ठीक है, यस ये करेक्ट। देन द वेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज इंक्रीज इन द न्यू WPI सीरीज, यस। हाँ, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी लिखी है कि न्यू WPI सीरीज विद बेस ईयर 1993 टू 94 वाज 100 = 100 बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1998, ये इनकरेक्ट है बिकॉज द WPI सीरीज विद द बेस 1993 टू 94 = 100 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2000 एंड नॉट इन अप्रैल 1998, ठीक है ना, 1998 में नहीं बल्कि 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल कैपिटल फ्लोज टू डेवलपिंग कंट्रीज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द 90s इन व्यू ऑफ द ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड लैटिन अमेरिकन एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ इनफ्लो इज गुड फॉर द होस्ट कंट्री। तो आंसर है कि फॉर फाइनेंशियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सॉरी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के लिए, ठीक है, कि FDI इनफ्लो इज अ गुड फॉर द होस्ट कंट्री बिकॉज इट कैन नॉट डिसअपीयर सडनली, ठीक है, ये FDI का फायदा होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन टर्म्स ऑफ वैल्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाई इंडिया ड्यूरिंग द 3 year पीरियड फ्रॉम 1997 टू 1998 टू 1999 टू 2000। तो आंसर है के मैरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैरीन प्रोडक्ट्स के इन द पीरियड 1997-98 से 2000 तक इंडिया मेड द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फॉर मैरीन प्रोडक्ट्स द टारगेट। ठीक है, इट इज सेड दैट द पीरियड वैल्यू ऑफ सेड एक्सपोर्ट अमाउंटेड टू 6,000 crores इन अ ईयर। इन दिस कनेक्शन इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड स्पाइसेस ऑब्टेंड सेकंड एंड थर्ड पोजिशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया द एक्सचेंज विच रिकॉर्डेड हाइएस्ट टर्न ओवर ड्यूरिंग द ईयर 2001 इज आंसर है कि इट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, के द स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्डेड हाइएस्ट टर्न ओवर ड्यूरिंग द ईयर 2001 इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विद रेफरेंस टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट सिर्फ दो स्टेटमेंट है आउट ऑफ थ्री, और वो है नंबर वन के मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इंपोर्टर ऑफ द कंट्री। यस करेक्ट है। देन प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। यस, ये भी सही है। ठीक है ना, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज टू इन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल एंड कंपलसरी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ वेरियस एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। डिटेल में देखते हैं कि MMTC लिमिटेड विच इज़ मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, MMTC लिमिटेड प्राइमरी डील्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन फेरस मेटल। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट नॉन ऑयल इम्पोर्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, हाँ, प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PEC लिमिटेड इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, PEC's मेन फंक्शंस इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एटसेट्रा। ठीक है ना, ECGC लिमिटेड दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस टू एक्सपोर्टर्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंडियन पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है इसका कि पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड है, इंडियन पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड। ठीक है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर वन कि द कंटिन्यूड हाई बोरोइंग हैज कैप्ट द रियल इंटरेस्ट रेट्स हाई इन द इकॉनमी। यस, देन द अपवर्ड ट्रेंड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑफ GDP आर रिसेंट ईयर्स हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यस, देन इंटरेस्ट पेमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यस, ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है ना, बाकी एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वही उसमें यह है कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। ये इनकरेक्ट है, बिकॉज एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिपोर्टेड इन द यूनियन बजट आर नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स आर मार्केट डिटर्मिंड एंड आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस करेंसीज। ठीक है, हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, हाई बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट रेट गोज अप इन द मार्केट। हाई फिजिकल डेफिसिट मीन्स हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग विच हर्ट्स द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कि अगर हाई फिजिकल डेफिसिट है उसका मतलब है कि हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट ज़्यादा उधार ले रही है। ठीक है ना, विच हर्ट्स द प्राइवेट सेक्टर। इट आल्सो लीड्स टू लोअर कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोनॉमी बाय द फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर को भी जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा इन्वेस्ट करने का। ठीक है, देन इंटरेस्ट पेमेंट इज अ ह्यूज कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है इसका एक ह्यूज कंपोनेंट है ये इंटरेस्ट पेमेंट, जो सूद दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन ब्रॉड मनी मीन्स M3 में। ठीक है,
तो तीन ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक के पास करेंसी। देन डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट बैंक, ये भी। तीसरा आ गया टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, यस। ये तीनों जो हैं ये ब्रॉड मनी में आते हैं, ब्रॉड मनी मीन्स M3 में आते हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आप। ब्रॉड मनी डिनोटेड बाई M3 इन इंडिया इंक्लूड करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। ठीक है, ये सारा कंस्टिट्यूट करता है M3 में आते हैं। ठीक है, नैरो, हाँ ये हो गया ब्रॉड मनी। देन नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई बिकॉज द डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम ड्यूरिंग द बैंकिंग आवर्स। ठीक है, किस में? नैरो मनी के केस में। हाँ, टाइम डिपॉजिट्स ऑन द अदर हैंड हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड एंड हैंस कैन नॉट बी विदड्रॉन बिफोर एक्सपायरी पीरियड। ठीक है ना, एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, कौन? टाइम डिपॉजिट। ठीक है, व्हेन वी ऐड द टाइम डिपॉजिट्स इनटू द नैरो मनी होता है M1। ठीक है, वी गेट अ ब्रॉड मनी विच इज डिनोटेड बाय M3। ठीक है, कि व्हेन वी ऐड टाइम डिपॉजिट्स, जब हम टाइम डिपॉजिट ऐड करते हैं किस में? नैरो मनी M1 में, तब हमें मिलता है ब्रॉड मनी M3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं M3 इज इक्वल टू नैरो मनी मीन्स M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद बैंक्स। ठीक है, हाँ ये होता है M3 का फार्मूला। अच्छा, नैरो मनी कैसे निकालना हो? अगर नैरो मनी निकालना हो M1, नैरो मनी होता है M1, ये कैसे निकलता है? तो नैरो मनी M1 इज इक्वल टू करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ठीक है ना, तो ये होता है नैरो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड टेल द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, तो इसमें बात करी है IFCI, ICICI, IDBI, NABARD की। ठीक है ना, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है इनके एस्टेब्लिशमेंट का, पहले हम देखते हैं IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ये 1 जुलाई 1940 में बनी। ठीक है, देन ICICI मीन्स इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, ये 5 जनवरी 1955 में बनी। ठीक है, देन IDBI के बारे में देखते हैं, IDBI मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बना 1 जुलाई 1964 में, 1964 में। ठीक है, देन NABARD का देखते हैं, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD, ये 19 जुलाई 1982 में बना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द पावर सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट दो स्टेटमेंट हैं, वो हैं कि नंबर 1 के रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हैज़ बीन ट्रीटेड एज बेसिक मिनिमम सर्विस अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ग्रामोदय योजना, यस। देन सेकंड है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन पावर इज अलाउड विदाउट अपर लिमिट। ठीक है ना, हाँ, पावर सेक्टर में FDI 100% जो है वो अलाउड है विदाउट अपर लिमिट। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर हैज साइंड मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग विद 14 स्टेट, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ कंट्री इज सेड टू बी अ डेट ट्रैप इफ, एक कंट्री को हम डेट ट्रैप बोलते हैं, DEBT, डेट ट्रैप बोलेंगे अगर, हाँ आंसर बताना आगे, चार ऑप्शन से उसमें बताना है कि इफ इट हैज़ टू बारो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। ठीक है, कि एक कंट्री को हम डेट ट्रैप उस वक्त बोलेंगे जब उस वक्त इसको उधार लेना हो पैसा, ताकि ये इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने आउटस्टैंडिंग लोन्स है उन पे जो इंटरेस्ट सूद लगा है उसको चुका पाए। ठीक है, तो अगर ये इंटरेस्ट लेने के लिए भी इसको पैसा उधार लेना पड़े तो तब उस कंट्री को बोलते हैं हम डेट ट्रैप में। ठीक है ना, अ कंट्री इज सेड टू बी इन अ डेट ट्रैप इफ इट हैज़ टू बारो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी में मीन, के रुपी की फुल कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट वाली बतानी है और करेक्ट दो स्टेटमेंट है। नंबर 1 के
हाँ फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी, ठीक है, इसका मतलब है कि इट्स फ्री फ्लोट विद एनी ऑफ द इंटरनेशनल करेंसीज, नंबर वन। नंबर सेकंड कि इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विद एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री। हाँ डिटेल में देखते हैं कि वैन डोमेस्टिक करेंसी फ्लोट फ्रीली विद अदर इंटरनेशनल करेंसीज फॉर द फॉरन एक्सचेंज ट्रांसेक्शन इट विल कॉल्ड फुली कन्वर्टेबल करेंसी, ठीक है। तारापुर कमेटी TARAPUR तारापुर, ठीक है ना, तारापुर कमेटी हैज़ गिवन द रिकमेंडेशंस फॉर फुली कन्वर्टेबल रुपी। इंडियन रुपी इज कन्वर्टेबल ऑन ऑनली करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो करेक्ट आंसर है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ठीक है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। हाँ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज वर्ल्ड बैंक, इट इज पब्लिश सिंस 1978, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना, तो चार स्टेटमेंट हैं उनमें से करेक्ट सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। हाँ और वो हैं कि नंबर वन आ गया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वाइपो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द वाइपो इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज करेक्ट। उसके बाद देखते हैं कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स, यस ट्रिप्स एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स, ठीक है। दो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, उसमें एक में लिखा है कि वाइपो हैज इट्स हेडक्वार्टर एट रोम, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एक और स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसमें लिखा है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स ऑफ WTO आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द जनरल डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीमेंट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आप डिटेल में आंसर देखते हैं इसके के WIPO वाइपो इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यस। उसके बाद देखते हैं कि इट्स हेडक्वार्टर ऑफ वाइपो इज एट जेनिवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। हाँ उसके बाद देखते हैं कि ट्रिप्स इज बाइंडिंग ऑन ऑल WTO मेंबर्स, ठीक है, इनिशियली द LDC, ठीक है ना, इनिशियली द LDC मीन्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इनिशियली द LDCs वर अलाउड 10 ईयर्स फ्रॉम 1995 टू अप्लाई बल्क ऑफ ट्रिप्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। द ट्रिप्स काउंसिल एक्सटेंडेड द पीरियड अंटिल 1 जुलाई 2013 इन 2005 एंड नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2021, ठीक है, क्या ट्रिप्स ऑब्लिगेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं TRIPS, हाँ ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज एक्सटर्नल डेट मेजर्ड फ्रॉम 91,158 US dollar million एज एट द एंड ऑफ मार्च 2002 1,225,000,000 US dollar million एट द एंड ऑफ मार्च 2008 ड्यू टू इंक्रीज इन वट। आंसर है कि इट वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन मल्टी लेटरल एंड बाई लेटरल डेट्स, ठीक है ना, कि इंडियाज डेट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन मल्टी लेटरल एंड बाई लेटरल डेट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड टेल विच एंड देन टेल द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर टू GDP एट फैक्टर कास्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसिस 2000 से 2001 तक, ठीक है ना, तो वो हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर हम देखते हैं डिटेल में कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेक्टर्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसिस इज, हाँ जो ये चार ऑप्शन दिए इनको अरेंज करते से नंबर पहला आ गया कि ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरे पे आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि फाइनेंसिंग इंश्योरेंस रियल इस्टेट एंड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तीसरा आ गया एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, चौथा आ गया मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो आंसर है कि आबिद हुसैन कुमेटी, ठीक है ना, आबिद हुसैन कुमेटी। के और भी ऑप्शन है कुछ, नारा सिम्हा कमेटी, नायक कमेटी, राकेश मोहन कमेटी, वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर है आबिद हुसैन कमेटी, ठीक है। के इट वाज आबिद हुसैन कमेटी दैट रिकमेंडेड द अबोलिशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडस्ट्री, ठीक है। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1997, ठीक है। देन नारा सिम्हन कमेटी वॉज फॉर्मड इन 1991 एंड 1998 टू लुक इन टू द फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। देन नायक कमेटी NAYAK, नायक कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1991 ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI, ठीक है ना। इट्स सजेशंस रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI, ठीक है। हाँ, देन राकेश मोहन कमेटी वॉज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री, ठीक है। राकेश मोहन कमेटी वॉज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों सही हैं, ठीक है। नंबर वन है कि अंडर द अंत्योदय अन्ना योजना द फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल टू द पोरेस्ट ऑफ द फैमिलीज एट 2 rupees पर kg फॉर वीट एंड 3 rupees पर kg फॉर राइस, ठीक है। ये अंत्योदय अन्ना योजना के तहत, ठीक है। उसके बाद है कि अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम द कोल्ड एंड डेस्टिट्यूट आर प्रोवाइडेड 75 rupees पर मंथ एज सेंट्रल पेंशन इन एडिशन टू द अमाउंट प्रोवाइडेड बाई मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट, यस। उसके अलावा ये 75 rupees दिए जाते हैं, ये भी सही है। ये अंडर ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। पहला ऊपर हमने पढ़ा अंत्योदय अन्ना योजना। देन थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड 25 kg फूड ग्रेन पर बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली पर मंथ एट लेस देन हाफ ऑफ द इकोनॉमी कॉस्ट, यस। ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम अंत्योदय अन्ना योजना वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 25 December 2000, ठीक है। अंत्योदय अन्ना योजना जो है 25 December 2000 में जो है लॉन्च करी गई थी। सर डिटेल में देख लेते हैं, द पेंशन अमाउंट एज ऑफ यूनियन बजट 2012-13 इज 200 Indian rupees पर मंथ पर पर्सन फ्रॉम 60 to 70 years ऑफ एज एंड 500 rupees पर मंथ पर पर्सन फॉर दोज 80 years एंड अबव एंड स्टेट्स आर सपोज टू कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट वीजा विज द NDAP स्कीम, ठीक है। हाँ, के जो 2012-13 का जो यूनियन बजट था उसके मुताबिक जो पेंशन अमाउंट है वो जो 60 से 70 साल की उम्र के लोग हैं उनको 200 रुपये एक महीने के मिलेंगे, और जो 80 साल या उससे ऊपर वाले एज के बंदे हैं उनको 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है ना। और जो स्टेट्स होती हैं, ये यूनियन की बात कर रहा हूँ, और जो स्टेट्स होती हैं वो भी इक्वल अमाउंट जो है दे आर सपोज टू नॉट मैंडेटरी बट दे आर सपोज टू कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट वीजा विज द NDAP स्कीम के तहत, ठीक है ना। NDAP स्कीम के तहत स्टेट्स को भी इक्वल अमाउंट देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2003 में आता है कि द कैलकर KELKA द कैलकल प्रपोजल्स विच वार इन द न्यूज रिसेंटली वार, आंसर है कि दे वार द रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। कौन? कैलकर प्रपोजल्स, ठीक है। कि द कैलकर प्रपोजल विच वार इन द न्यूज रिसेंटली वार द रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स, यस, ठीक है। हाँ, कैलकर कमेटी हैज़ नाउ रिकमेंडेड फॉर द अबोलिशन ऑफ MAT मैट टू इंक्रीज टैक्स इन सर्विस एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ईयर 2001-02 द वैल्यू ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइंड रजिस्टरिंग अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 2.17%, ठीक है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, ये असर्शन रीजन का टाइप वाला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, ठीक है। उसमें है कि ड्यूरिंग द ईयर 2001-02 नेगेटिव ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स वाज विटनेस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील काफ़ी टेक्सटाइल्स एंड मैरीन प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ 1.6% इन इंडियन एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर 2001-02 एंड दैट्स इट इज, हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, असर्शन और रीजन वाली, दोनों जो हैं इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। तो इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि द न्यू एक्सिम पॉलिसी इज लिबरल मार्केट ओरिएंटेड एंड फेवर्स ग्लोबल ट्रेड, यस।
जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है ये लिबरल है, मार्केट ओरिएंटेड और ग्लोबल ट्रेड को फेवर करती है। देन दूसरी स्टेटमेंट है रीजन वाली के गाट GATT गाट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोवेस्ट GDP पर कैपिटा। तो आंसर है के इंडिया, ठीक है, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इंडिया, ठीक है ना, कि इंडिया हैज़ द लोवेस्ट GDP पर कैपिटा, ठीक है ना। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2016-17 डेटा, बैंक ऑफ चाइना इज़ 81, श्रीलंका इज़ 94, सॉरी रैंक ऑफ चाइना इज़ 81, श्रीलंका एट 94 एंड इंडोनेशिया 99 एंड इंडिया हैज़ द लोवेस्ट अमंग देम, दैट इज़ 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो दो स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि इन द लास्ट 5 ईयर्स इंडियन सॉफ्टवेयर, ये 2003 में आया था, ठीक है ना, कि इन द लास्ट 5 ईयर्स इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अबाउट 60%। यस ये भी सही। देन सेकंड स्टेटमेंट, द सॉफ्टवेयर एंड सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया रजिस्टर्ड एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अबाउट 28% इन रुपी टर्म्स ड्यूरिंग द ईयर 2001 to 2002। यस ये भी सही है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिसीजन रिगार्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI ड्यूरिंग द ईयर 2001 से 2002, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि वोट ऑफ द 100% FDI अलाउड बाई इंडिया इन द टी सेक्टर, चाय वाले सेक्टर में, ठीक है ना, द फॉरन फर्म वुड हैव टू द फॉरन फर्म वुड हैव टू डिस इन्वेस्ट 33% ऑफ द इक्विटी इन फेवर ऑफ एन इंडियन पार्टनर विद इन 4 ईयर्स। यस देन रिगार्डिंग द FDI इन प्रिंट मीडिया इन इंडिया, द सिंगल लार्जेस्ट इंडियन शेयर होल्डर्स शुड हैव अ होल्डिंग हायर देन 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज, आंसर है कि इट वाज उद कमर्शियल बैंक, ठीक है ना, कि द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 में वाज उद कमर्शियल बैंक, ठीक है। हाँ, पहला बैंक था जो कि लिमिटेड लायबिलिटी था, लिमिटेड लायबिलिटी वाला, और इंडियन ने मैनेज करा, 1881 में बना, ये ओद कमर्शियल बैंक था, ठीक है ना, OUDH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के द गवर्नमेंट होल्डिंग इन BPCL इज, BPCL होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ठीक है ना। तो आंसर है कि इट इज़ बिटवीन 50% to 60%, ठीक है ना, कि भारत द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया। प्रेजेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ स्टेक ऑफ अबाउट 54.93% इन द टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ BPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर द, आंसर है कि दे आर द क्रेडिटर्स, ठीक है, कि किसी कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो क्या हैं, वो क्रेडिटर्स हैं, मतलब पैसे देने वाले, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स क्रेडिटर्स बिकॉज कंपनी हैज़ टू पे दम अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनसे पैसे लिए ना, डिबेंचर दे के, तो कंपनी को उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है, इसलिए वो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के लिए, डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ क्वेश्चन एंड टेल विच ऑफ दीज आर करेक्ट। क्वेश्चन है कि इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटीज ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर, आंसर है कि दे आर अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, कि इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटीज इन ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर लेविड एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑनली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फीमा इन इंडिया, FEMA, फीमा, ठीक है ना। तो आंसर है कि अंडर फीमा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। हाँ, कि अंडर फीमा वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हैज़ सीज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा, ठीक है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रूल्स का
वायलेशन होगा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑन आरफीमा वाज पास्ड इन 1999 में रिप्लेसिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट फीरा। ठीक है, हाँ, कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फीमा, ये 1999 में पास हुआ और इसने रिप्लेस कर दिया जो पहले चल रहा था फीरा एक्ट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, दिस फीमा इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टेप टूवर्ड्स ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। फीमा वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक ट्रांसेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल सेक्टर ईजियर। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी इज नॉट ऑथोराइज लीगली टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द पीपल फॉर वायलेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रूल्स। ठीक है, फॉरन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं करेगा क्योंकि आप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अंडर द न्यू एक्ट वायलेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रूल्स हैज सीज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा फीमा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है और वो है कि इंडियाज इंपोर्ट ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर 2001 से 2002 अकाउंटेड फॉर अबाउट 27% ऑफ इंडियाज टोटल इंपोर्ट्स। यस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो करेक्ट एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 49% फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज परमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूल। ठीक है ना, यस, ये सही है। डिटेल में देखते हैं कि द एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें FDI भी आ जाता है, FII भी आ जाता है एंड NRI भी आ जाता है। ठीक है ना, ये द एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज FDI, FII एंड NRI, हाँ, दिस कैन नॉट एक्सीड 74% इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वाइल द सीलिंग इज एट 20% फॉर नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2000 से 2001 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू। ठीक है ना, तो आंसर है कि पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं दे आर हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रूपी वैल्यू। के ड्यूरिंग 2000 से 2001 द कमोडिटीज विच इज इम्पोर्टेड हाइएस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आर पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, दैट वॉज 8.3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो अब करंट सिनेरियो क्या है अभी का ये सिनेरियो है कि केमिकल जो है 5.1%, देन पर्ल्स, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन जो है 4.1%, एडिबल ऑयल जो है 2.5%, फर्टिलाइजर्स हैं 2.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2004 में आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हैं, वो हैं, नंबर वन है कि द ऑयल पूल अकाउंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द ऑयल पूल POOL। ठीक है ना, द ऑयल पूल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डिसमेंटल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2002। यस, ये सही है। उसके बाद है कि सब्सिडीज ऑन PDS, केरोसिन एंड डोमेस्टिक LPG आर बोर्न बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी सही है। ठीक है ना, डिटेल में देखते हैं अब आंसर, क्या BJP लेड गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड APM, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, इन अप्रैल 2002 एंड मूव टू अ सिस्टम ऑफ मार्केट डिटरमिंड प्राइसेस। दिस गेव द फ्रीडम टू रिव्यू लोकल प्राइसेस एवरी 2 वीक्स। द APM, दैट इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, had come in for much criticism as it imposed a huge burden on state-run marketing companies which sold petroleum products at a fraction of their cost. Also, the subsidies on PDS, kerosene and domestic LPG are borne by Consolidated Fund of India. However, the Mashelkar Committee, M-A-S-H-E-L-K-A-R, Mashelkar, okay? However, the Mashelkar Committee was not on auto fuel policy. Rather, it was made to examine the drug regulatory issues, including the problem of spurious drugs in India. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द लास्ट वन डिकेड विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन टू इंडिया। तो करेक्ट आंसर है कि सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, कि सर्विस सेक्टर हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के
Which of the following is not a recommendation of the task force on direct taxes under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar in the year 2002? तो आंसर है कि इंक्रीज इन द एक्सेम्पशन लिमिट ऑफ पर्सनल इनकम टू 1.20 लाख फॉर विडोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट में है कि द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया वाज सेट अप एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ NHB ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। येस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। आंसर देखते हैं आप इसका, हाँ डिटेल में देखते हैं इसका। आप पढ़ते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक NHB इज अ स्टेट ओन्ड बैंक एंड रेगुलेशन अथॉरिटी इन इंडिया, क्रिएटेड ऑन 8 जुलाई 1988 अंडर सेक्शन 6 ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है, हाँ इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, नेशनल हाउसिंग बैंक का। ठीक है ना, द इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश टू प्रमोट प्राइवेट रियल इस्टेट एक्विजिशन। द NHB इज रेगुलेटिंग एंड रीफाइनेंसिंग सोशल हाउसिंग प्रोग्राम्स एंड अदर एक्टिविटीज लाइक रिसर्च एंड IT इनिशिएटिव टू। देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ अ नॉन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम टू एड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज MSME इन इंडिया। सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, करंट शेयर होल्डिंग इज widely spread among other state-owned banks, insurance companies and financial institutions. Next question है, consider the following statements and tell which of these are correct. ठीक है ना, और correct statement है कि the किसान credit card holders are provided personal accident insurance of 50,000 for accidental death and 25,000 for permanent disability. ठीक है, yes correct. तो हाँ डिटेल में देखने का, द लोन्स डिस्टर्ब टू फार्मर्स इन केसेस स्कीम आर नॉट कवर्ड अंडर RKBY। ठीक है ना, RKBY स्कीम होती है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, उसके तहत नहीं कवर होती। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, हाँ तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है नंबर वन के रिगार्डिंग द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज अ प्रोक्योरमेंट टारगेट रादर देन एन ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, देन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, वीट एंड राइस आर इशूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट यूनिफॉर्म सेंट्रल इशू प्राइसिस टू द स्टेट एंड UTs। ठीक है, हाँ यस, एक नोट में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस नॉट ओनली फॉर सीरियल्स बट ऑल्सो फॉर शुगर केन्स कॉटन सनफ्लावर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ क्वेश्चन एंड टेल विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल सीड्स इन द कंट्री बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। आंसर है नंबर वन कि फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो फूड ग्रेन्स विद हाईली रिम्यूनरेटिव सपोर्ट प्राइसेस। नंबर सेकंड के मोस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स कंटिन्यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। नंबर तीन, ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ फ्री ओरिजिन इन राइस ब्रेन हैव रिमेंड अनएक्सप्लॉइटेड। यस, दीज आर ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेल विच ऑफ दिस करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर वन, RBI वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 में, इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ठीक है, द ये भी करेक्ट। देन द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मैनेज्ड बाय RBI। यस, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बोरोइंग प्रोग्राम जो होता है RBI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये मैनेज करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट है तीन है। नंबर वन के अन्नापूर्णा स्कीम इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज आर अबव एलिजिबल फॉर
नेशनल ओल्ड एज पेंशन बट नॉट गेटिंग पेंशन कैन गेट 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पेंशन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 10 kg राशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर वो पेंशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट वाली कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ स्कीम इन विच इंडिजेंट INDIGENT इंडिजेंट पीपल लिविंग इन वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑर्फनेजेस आर गिवन 15 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट BPL रेट्स। ठीक है, देन के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू मिड डे मील स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ क्लास 1st to 5th स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, और ये भी है कि अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन आर प्रोवाइडेड 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज वाज द लार्जेस्ट IT सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एक्सपोर्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2002 से 2003। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बिरला सॉफ्ट, देन इंफोसिस टेक्नोलॉजी, देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देन विप्रो टेक्नोलॉजीज। तो करेक्ट आंसर है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाज द लार्जेस्ट IT सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एक्सपोर्टर इन इंडिया ड्यूरिंग 2002 से 2003। टॉप 5 IT फर्म्स इन इंडिया आर, हाँ नंबर 1 टॉप 5 जो IT फर्म्स हैं इंडिया में, ठीक है उनमें देखते हैं। नंबर 1 पे आ गया TCS मींस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नंबर 2 आ गया इन्फोसिस, नंबर 3 पे आ गया विप्रो, नंबर 4 पे आ गया HCL टेक्नोलॉजीज और नंबर 5 पे आ गया टेक महिंद्रा। ठीक है ना, ये 5 टॉप जो हैं IT फर्म्स इंडिया में, पहले पे TCS, देन दूसरे पे TCS हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरे पे इन्फोसिस, तीसरे पे विप्रो, चौथे पे ICL टेक्नोलॉजी, पांचवें में टेक महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2005 में आया था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और वो है कि द सेकंड रिपोर्ट ऑफ द कलकर कमेटी डीलिंग विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज़ मेंटेन्ड इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग द अबोलिशन ऑफ एग्जेम्पशंस रिलेटिंग टू हाउसिंग लोन्स। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, हाँ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हैज़ बीन अमेलगमेटेड विद द पंजाब नेशनल बैंक, इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में आंसर देखते हैं कि RBI हैज़ डिक्लेयर्ड अ 3-year मोराटोरियम ऑन ग्लोबल ट्रस्ट बैंक GTB बट लेटर इट अनाउंस्ड मर्जर ऑफ द ब्लैकबर्ड बैंक BLEAGUERED ब्लैकबर्ड बैंक विद द पब्लिकली ओन्ड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। ठीक है ना, पहले पेयर में पहले कॉलम में इंटरप्राइज, दूसरे में आ गया इंडस्ट्रियल ग्रुप। ठीक है, ये देखना हमें। हाँ तो जो करेक्ट हैं उनमें आ गया नंबर 1 इंटरप्राइज जो है मुंद्रा SEZ जो है ये अदानी ग्रुप से है, रिलेटेड है। ठीक है, देन CMC लिमिटेड जो है ये टाटा ग्रुप से, देन IPCL जो है रिलायंस ग्रुप से। एक इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया गया कि VSNL जो है ये भारती ग्रुप से, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आंसर। द डाइवर्सिफाइड 4,000 crore अदानी ग्रुप इज क्लोज टू एक्वायरिंग अ कोल माइन इन इंडोनेशिया, अ मूव दैट विल स्ट्रेंथन द सप्लाई चेन्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट बिजनेस। हाँ, पोर्ट्स एंड पोर्ट बेस्ड एक्टिविटीज हैव ऑलवेज बीन अ मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी इन गुजरात द वेस्टर्न इंडिया स्टेट विद द कंट्रीज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन एंड इट इज ऑल्सो माइनर पोर्ट्स दैट हैव नॉट्ड अप अ हायर ग्रोथ रेट अदर देन rather than the major ones and as of now Mundra port owned by the 4,600 crore city based Adani group is being termed as fastest growing port in the country. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विल लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट 1 में आ गया बिजनेस वुमेन और लिस्ट 2 में आ गया कंपनी। ठीक है, कौन सी बिजनेस वुमेन किस कंपनी से जुड़ी है। ठीक है, पहला आ गया बिजनेस वुमेन जिया मोदी, जिया मोदी जो है ये AZB एंड पार्टनर से जुड़ी हुई है। ठीक है, उस कंपनी से। देन अनुराधा जे देसाई जो है ये वेंकटेश्वर हैचरीज से जुड़ी है, HTCHERIES। ठीक है, देन विल्लू मोरावाला पटेल जो है ये अवस्था गैंग्रेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, यस। देन मीना कौशिक जो है ये क्वांटम मार्केट रिसर्च से जुड़े हुए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल व्हिच ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है,
करेक्ट स्टेटमेंट एक है और वो है कि सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है। आगे दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं, गलत वाली उसमें लिखा है कि फॉर कैलकुलेटिंग सेंसेक्स ऑल द स्टॉक आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना, गलत है। उसके बाद लिखा है कि न्यू स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल में आंसर देखते हैं कि सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथोडोलॉजी। एज पर दिस मेथोडोलॉजी द लेवल ऑफ इंडेक्स एट एनी पॉइंट ऑफ इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ 30 कंपोनेंट स्टॉक्स रिलेटेड टू अ बेस पीरियड, ठीक है। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज डिटर्मिंड बाई मल्टीप्लाइंग द प्राइस ऑफ इट स्टॉक बाई द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाई द कंपनी। द आमस्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज ASE, विच लेज क्लेम टू बींग द ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग स्टॉक मार्केट, हैज़ इम्बार्क्ड अपॉन अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू विन बैक ट्रेडिंग लॉस टू लंदन, ठीक है। कौन? आमस्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज ASE। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ट्रेसिज इट्स ओरिजिन टू 1792 1792 में, ठीक है ना, वेन 24 न्यूयॉर्क सिटी स्टॉक ब्रोकर्स एंड मर्चेंट्स साइंड द ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ठीक है। दिस एग्रीमेंट सेट इन मोशन द NYSE's अनवेवरिंग कमिटमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल विच ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट दो ही स्टेटमेंट हैं। पहली है कि ISO 9000 रिलेट्स टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि ISO 14000 रिलेट्स टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि द हेडक्वार्टर ऑफ ISO दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन लोकेटेड इन रोम, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो डिटेल में आंसर देखते हैं कि ISO मीन्स दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO इज अ नेटवर्क ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ 151 कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर पर कंट्री, ठीक है, हाँ, विद द सेंट्रल सेक्रेटरीट एट जेनीवा स्विट्जरलैंड दैट कोऑर्डिनेट्स द सिस्टम, ठीक है। जेनीवा स्विट्जरलैंड में इसका मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट ISO का, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ISO इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट मेंबर्स आर नॉट एज इज द केस इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम डेलीगेट्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के डेलीगेट्स नहीं है जो ISO के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, ये एक जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेवरदिलेस ISO occupies a special position between the public and the private sectors. This is because, on the other hand, many of its member institutes are part of the government structure of their countries or are mandated by the government. On the other hand, other members have their roots uniquely in the private sector, having been set up by national partnership of industry associations. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया डिस्टिंग्विश पर्सन और लिस्ट सेकंड में आ गया एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, कौन सा डिस्टिंग्विश पर्सन किस एरिया ऑफ वर्क में है, ठीक है ना, ये चीज़ हमको देखनी है। तो इसका आंसर है कि जो BV राव है ये पोल्ट्री फार्मिंग में डिस्टिंग्विश बंदा है, ठीक है ना। देन CK प्रहलाद जो है ये मैनेजमेंट साइंस में डिस्टिंग्विश पर्सन है। देन जॉन कुरियन जो है फिशरीज इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट बनता है। देन किरण कार्निक ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर में डिस्टिंग्विश पर्सन है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पहले देखते हैं डॉक्टर BV राव के बारे में। डॉक्टर BV राव, ठीक है ना, डॉक्टर BV राव वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोल्ट्री सेक्टर एंड मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया through sheer hard work and conviction. Dr. B.V. Rao transformed poultry from a simple cottage enterprise into a truly integrated industry. ठीक है, then C.K. Prahalad, ठीक है, C.K. Prahalad was the Paul and Ruth McCracken Distinguished University of Professor Distinguished University Professor of Corporate Strategy at the Stephen M. Ross School of Business in the University of Michigan, ठीक है,
सी के प्रहलाद, ठीक है ना। ड्यूरिंग हीज लाइफ ही वॉज द फ्रीक्वेंटली रैंक्ड एज ही वॉज फ्रीक्वेंटली रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेस थिंकर्स इन द वर्ल्ड, सी के प्रहलाद, ठीक है। देन किरण कार्निक, किरण कार्निक इज अ प्रोमिनेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर चीफली नोन फॉर हीज वर्क इन द ब्रॉडकास्टिंग एंड आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रेजेंटली किरण कार्निक इज ऑल्सो सर्विंग एज अ डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जॉन कुरियन हैज़ कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन इंडिया इज द फर्स्ट टू बी ओन्ड बाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप आंसर है कि बेंगलोर एयरपोर्ट, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं आंसर के द न्यू बेंगलोर एयरपोर्ट इज अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट इन विच अ प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम विल हैव 74% इक्विटी विद द बैलेंस बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द प्राइवेट कंसोर्टियम इज लेड बाय साइमंस SIEMEN साइमंस ऑफ जर्मनी। अनदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन हैदराबाद। इन दिस प्रोजेक्ट प्राइवेट कंसोर्टियम ऑल्सो होल्ड 74% ऑफ द इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट वन में आ गया पर्सन, लिस्ट सेकंड में आ गया ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा पर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें है पहला हम देखते हैं ए के पूरी, ठीक है ना। ए के पूरी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ठीक है ना। हाँ, VRS नटराजन वॉज द आउट गोइंग CMD ऑफ द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। देन जगदीश खट्टर इज द फार्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड। प्रायर टू दिस पोस्ट जगदीश खट्टर हैज़ बीन एन ऑफिसर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस विद मोर देन 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। जगदीश खट्टर इज द करंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, ठीक है। देन वी थुलासीदास THULASIDAS, ठीक है। वी थुलासीदास बिकेम द चेयरमैन एंड MD ऑफ द एयर इंडिया इन दिसंबर 2003, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज स्टार्टेड अ रूरल मार्केटिंग नेटवर्क कॉल्ड eChoppals, CHAUPALS eChoppals, तो आंसर है ITC, ठीक है ना। हाँ, के ITC हैज स्टार्टेड द रूरल मार्केटिंग नेटवर्क नोन एज द eChoppals. इट एम्स टू लिंक डायरेक्टली विद रूरल फार्मर्स वाया द इंटरनेट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एक्सिक्यूलर्स प्रोडक्ट्स लाइक सोयाबीन, वीट, कॉफी एंड प्रॉन्स, ठीक है। इट इज सीन एज अ मेजर इनिशिएटिव टू डेवलप द इंडियन एग्रीकल्चर विच हैज़ been facing major problems of lack of infrastructure and other structural bottlenecks, ठीक है। Next question is के for which one of the following items the is Tirupur well TIRUPPUR Tirupur well known as the huge exporter to many parts of the world, तो answer है के knitted garments, KNITTED knitted garments, ठीक है। के तिरुपुर इज अ सिटी इन दिस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 47 किलोमीटर फ्रॉम कोइम्बेटर। तिरुपुर इज लोकेटेड इन अ रीजन दैट वॉज अ पार्ट ऑफ द एंशंट चीरा एम्पायर एज वेल एज द कोंगू नाडु रीजन, ठीक है। तिरुपुर इज द निटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। इट हैज़ स्पर्ड अप द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फॉर द पास्ट 3 decades। इट कंट्रीब्यूट्स टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया। द सिटी बींग इन रिच एज अ नीटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स एट द रेट ऑफ 120 billion वर्थ ऑफ गुड्स, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे और वीडियो बनाएंगे उसमें और टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह।